दुमका की एक बेटी आखिरकार जंग हार गई, क्या कहना है, कहाँ चूक हुई? सरकार की चूक है, बहुत बड़ी चूक है, जो ये कि आए दिन ये लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या, इस तरह का कांड हर रोज सुनने को मिल रहा है। ये प्रशासन का भी एकदम ढीलसील विधि व्यवस्था और ऊपर से जो संरक्षण मिल रहा है, दोनों के कारण ये घटना हो रही है दुमका में। हम लोग दोनों से शिकायत है, सरकार से भी प्रशासन से, हम लोग दोनों से शिकायत है कि शीघ्र कार्रवाई करें, फांसी दें, वरना हम लोग रोड पे उतरेंगे, जान दे। तरह की घटना नहीं हो, इसका भाजपा महिला मोर्चा दुमका पुरजोर विरोध करती है। हमारी बच्ची सलामत रहे, इसके लिए प्रशासन को देना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? बेटियां सलामत रहे, इसके लिए क्या मांग है? बेटियों को हर तरह की सुरक्षा मिले, प्रशासन यहाँ का मजबूत हो और हर महिलाओं को सुविधा मिले, सुरक्षा मिले, यही हम लोग की मांग है। और आए दिन ऐसा घटना नहीं हो, इसका महिला मोर्चा विरोध करती है। फांसी होना चाहिए तो हम नहीं करेंगे, फांसी करके हम नहीं जलाएंगे, हम नहीं जलाएंगे उसको, जैसे लड़की जलाएगा उसको हम नहीं जलाएंगे, किसी किसी को मार देंगे। आप क्या बोल रहे हैं चाची? उसको फांसी दीजिए, सारू को, सारू को फांसी दीजिए, हम लोग का जुम्मा दे दीजिए, उसको मार के खत्म हम लोग कर देंगे, जला देंगे हम लोग। आज किसी का साथ नहीं, किसी का साथ, आज किसी का साथ करेगा, कहे अन्याय किया उसको हम लोग जला देंगे, हम लोग का हाथ में दे दीजिए, हम लोग का हवाला कीजिए एकदम। जिस तरह से दुमका में खासकर लड़कियों के साथ जो अक्सर अन्याय होती है, और दुमका की एक बेटी ने आखिरकार जंग हार गया रांची में, कहाँ चूक हुई? आखिर बेटियों के साथ हर रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ अत्याचार होता है, और एक बेटी अंकिता अपनी जान हार गई। देखिए, ये जो भी घटना घटी है वो बहुत ही अमानवीय घटना है, और पूरे हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कड़ी निंदा करती है। अगर 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगर उसको फांसी नहीं होती है तो पूरे झारखंड में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, और भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल यानी 29 तारीख कल हम लोग पूरे दुमका बाजार बंद और बस बंद करने का आह्वान करते हैं। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सभी एकजुट होकर आए और कल बाजार बंदी और बस बंदी में हम लोग का सपोर्ट करें। अच्छा, कहाँ चूक हुई, कहाँ लगता है कि फेलियर? ये प्रशासनिक चूक है, प्रशासन को पहले ठीक से सोचे, पूरे प्रशासन को भी पता था, लेकिन इससे पहले भी दो बार मामला सुनते थाना आ गया था, आया था, लेकिन प्रशासन की गलती के कारण और लापरवाही के कारण इतना बड़ा घटना घटी है। पीड़ित परिवार के लिए क्या मांगे हैं? पीड़ित परिवार के लिए पूरे हिंदू जनमानस हम लोग मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपये नगद और एक उसके परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए। दुमका में जो आए दिन ये घटना घट रही है, इसकी CBI की मांग करते हैं। ये लव जिहाद की घटना है, यहाँ मतलब कि हिंदू लड़कियों को 7वीं क्लास से फंसाया जाता है, 7वीं क्लास से मुस्लिम लड़का हिंदू नाम लेकर के उसको फंसा रहा है, और ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल ही नहीं, जब तक कि इस लड़की को, इसके अपराधी को फास्ट ट्रैक के अंतर्गत सजा नहीं मिलेगा, तब तक डेली हम लोग का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन कल दुमका रोड और दुकान टोटल बंद रहेगा। मेरा नाम अविनाश कुमार, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला सहमंत्री हूँ। यहाँ पे जिहाद के रूप में 7वीं 8वीं कक्षा की लड़की को फंसाया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। दुमका बंद रहेगा जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलती है, ऐसे तमाम संगठनों का कहना है।